दोस्तों आप सबका सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए आरआरबी एएलपी का एग्जाम समाप्त हो चुका है और देखिए लोगों का मन में एक ही डाउट आ रहा है कि मेरा कितना यानी कि कट ऑफ जाएगा। ठीक है, कट ऑफ को लेकर के बहुत लोग परेशान है। तो देखिए अगर सीबीटी वन में अगर इतना मार्क्स अगर आपका आएगा तो आप लोग जो है सीबीटी टू का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, ज्यादा देर मत कीजिए। ठीक है, मैं आपको भी आगे बताऊंगा कि कितना कट ऑफ जाने वाला है। और देखिए यहाँ पे 10 से प्लस लोको पायलट द्वारा तैयार किया गया कट ऑफ को मैं यहाँ पे इंक्लूड करके आपको बताऊंगा, प्लस पूरा एकदम बेस्ट एनालिसिस के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको देखिए 10 से प्लस लोको पायलट का द्वारा जो आने की बताया गया वो भी मैं यहां पे इंक्लूड करूंगा, डिफरेंट यूट्यूब चैनल जो बताया गया उसको भी मैं ध्यान रखा हूं और डिफरेंट टीचर का भी बात को यहां पे दिखाऊं, डिफरेंट वाईटी जो यानी कि यूट्यूब चैनल है उसमें जो पोल होता है वो, प्लस में टेलीग्राम में जो पोल होता है उसके, प्लस में जो मेरा खुद के फ्रेंड्स लोग कितने यानी कि उनका कितना आ रहा है, वो सब सारा कुछ ध्यान में रख करके मैं कट ऑफ यहां पे तैयार किया हूं जो कि अभी आपको आगे देखने को मिलेगा। दोस्तों वीडियो में आगे आपको पता चल जाएगा कि कट ऑफ इसका कितना रहने वाला। तो देखिए जितने लोगों का भी यहाँ पे इतना नंबर आएगा तो आप लोग देखिए सीबीटी टू का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तक आपको पता होगा कि सीबीटी टू में यहाँ पे देखिए दो पार्ट होता है। ठीक है, पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट होता है। पार्ट ए में आपका 3 सब्जेक्ट होता है, मैथ रीजनिंग और बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्रॉइंग। ठीक है, तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्रॉइंग के लिए देखिए यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की तरफ से एक बुक आता है जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला स्टेज टू का आता है। ठीक है, इस बुक में आपको ड्रॉइंग का सारा टॉपिक मिल जाएगा, प्लस में बेसिक साइंस का सारा टॉपिक इसमें कवर किया गया है। यहाँ पे देखिए स्टडी मटेरियल दिया गया है, आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा और पिछले ईयर का जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारा कुछ इसमें इंक्लूड करके बुक बनाया गया है। और देखिए ये बुक आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिए हैं, वहां से क्लिक करके भी आप लोग बाय कर सकते हैं, नहीं तो नजदीकी बुक स्टोर से भी जाकर के आप लोग ये वाला बाय कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये कट ऑफ जो तैयार किया गया है, देखिए यहाँ पे बहुत सारा बातों को ध्यान रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं खुद से आकर के आने के बना दिया, बहुत सारा बातों को यहाँ पे ध्यान में रखा हूँ जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना सारे बातों को मैं यहाँ पे ध्यान में रखते हुए कट ऑफ तैयार किया हूँ। ठीक है, तो जो मैं आपको बताऊंगा ये पुरानी की जनरली बता रहा हूँ, ये अपने से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन फिर भी एक नंबर दो नंबर इधर उधर हो सकता है। तो देखिए फाइनली चलिए हम लोग कट ऑफ में जाते हैं कि कितना आने की, ये सब सारा कोई एनालिसिस करने के बाद कितना कट ऑफ आया। तो देखिए यहाँ पे यूआर में जिनका भी यहाँ पे रॉ मार्क्स, ये जो कट ऑफ यहाँ पे है ये रॉ मार्क्स है। ठीक है, परसेंटाइल स्कोर गाइस जो बनता है वो 100 नंबर में बनता है और वो कितना जाएगा वो तो बाद का बात है। ठीक है, जब उसका सारा कुछ आने की फाइनल आंसर की वगैरह रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपको सारा कुछ पता चलेगा। तो देखिए ये आपका जो है ये रॉ मार्क्स है। ठीक है, जो आपने अटेम्प्ट किया उसके बाद जो आपका गलती हुआ है उसके बाद जो आपका रॉ मार्क्स जो आपका आएगा उसके आधार पर यह कट ऑफ तैयार किया गया है। ठीक है, ये मैं खुद से नहीं तैयार किया हूँ, ये बहुत सारा डाटा लेकर के मैं तैयार किया हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यूआर में अगर कोई है और अगर उसका 43 से 45 के बीच में अगर नंबर आ रहा है, ठीक है, तो अपना तैयारी स्टार्ट कर दो सीबीटी टू का। ओबीसी में अगर 40 से 42 नंबर आ रहा है तो सीबीटी टू का तैयारी स्टार्ट कर दो। देखिए ईडब्ल्यूएस में यहाँ पे 38 से 40 नंबर के बीच में किसी का आ रहा है तो आप लोग सीबीटी टू का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। एससी एसटी में यहाँ पे देखिए 30 से 35 नंबर किसी का आ रहा है तो सीबीटी टू का तैयारी स्टार्ट कर देना। ठीक है, और ये जो 75 में से है, ठीक है, यहाँ पे परसेंटाइल स्कोर कितना बनेगा ये बाद में पता चलेगा जब इसका आंसर किया आएगा, प्लस में रिजल्ट आएगा वो 100 नंबर में बनाया जाता है। तो ये सब सारा डाटा जो है मैं इस सारा कुछ टॉपिक को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे तैयार किया हूं। बाकी आप लोग अपना बताइएगा कि आपने कितना अटेम्प्ट किया, आपका कितना रॉ मार्क्स आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।